आपका स्वागत है। मैं आदित्य प्रकाश श्रीवास्तव, आइए खबरें विस्तार। और केके न्यूज 24 को सब्सक्राइब करना ना भूले और बगल की घंटी को दबाए। गरीबों का नहीं होता है अल्ट्रासाउंड, महिलाओं की मजबूरी पर कमीशन का खेल भारी। बिहार नवयुवक सेना के सभी सदस्यों के द्वारा सदर अस्पताल मोतिहारी में सालों से बंद पड़े अल्ट्रासाउंड को पुनः सुचारू रूप से जिले के तमाम गरीब एवं लाचार लोगों के लिए शुरू करवाने के लिए एक विरोध प्रदर्शन अल्ट्रासाउंड कक्ष के बाहर किया गया। मौके पर प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे बिहार नवयुवक सेना के संस्थापक सह राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिकेत रंजन उर्फ अनिकेत पांडे ने कहा कि बिहार के सभी सदर अस्पतालों में लाखों का अल्ट्रासाउंड मशीन तो लगा है, पर गरीब लोगों के लिए उसका सुविधा नहीं है, केवल व्यक्ति विशेष का ही होता है अल्ट्रासाउंड, आखिर ऐसा क्यों। वहीं मौके पर जिला अध्यक्ष विशाल प्रताप सिंह, जिला संयोजक टिंकू श्रीवास्तव, जिला उपाध्यक्ष शुभम राजगुप्ता, नगर अध्यक्ष लड्डू सिंह, नगर उपाध्यक्ष चुन्नू ठाकुर, मुन्ना साय, ब्रिजेश पांडे, अमित दुबे, शिवम चैधरी, मंगल सिंह, सुदेश शर्मा, अमित गुप्ता, प्रियेश ठाकुर, अभिषेक पांडे, विवेक सिंह, धीरज सिंह, चुमन यादव, किशन कुमार आदि के साथ सैकड़ों साथी सदस्य उपस्थित रहे। केके न्यूज 24 बिहार से आदित्य प्रकाश श्रीवास्तव के साथ विजय कुमार शर्मा की रिपोर्ट। पिछले लगभग 2-2.5 सालों से मोतिहारी सदर अस्पताल का जो अल्ट्रासाउंड है वो बंद पड़ा है। लगभग बिहार नवयुवक सेना के द्वारा सिविल सर्जन महोदय से लेकर के जिलाधिकारी तक कई आवेदन दिए गए, उसके बावजूद उसके यह व्यवस्था नहीं सुधरा। उसके बाद यहाँ पे लाखों की मशीन बिहार सरकार के द्वारा दी गई है, लेकिन यहाँ इस हमेशा ही जो पीछे आप अल्ट्रासाउंड तक देख रहे हैं इसमें ताला लगा रहता है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, जो गरीबों का इलाज कराने के लिए धनिक लोग तो नहीं आएगा सदर अस्पताल में अपना इलाज कराने, सदर अस्पताल में जाएगा से गरीब लोग आएगा, तो गरीब के लिए जब ये अल्ट्रासाउंड खुला है तो फिर गरीबों का अल्ट्रासाउंड काहे नहीं होता है। उस दिन जब बिहार सरकार का स्वास्थ्य विभाग का जब सचिव है और जिला का जो सचिव है इनके इंक्वायरी कर ले, तो उसके उस दिन वहां 1 घंटा खोल दिया गया, ओछा ओछा मार दिया गया, सब ओके कर दिया गया और 5-6 आदमी का एंट्री करके अल्ट्रासाउंड करके साहब को दिखा दिया गया और फिर सचिव चले गए और जस का तस पीछे देख रहे हैं कि आपको ताला लगा है। ओडी से कोई अल्ट्रासाउंड नहीं होता है। मान लेते हैं कि जब गरीबों के लिए जो लाखों का मशीन लगा है काहे लगा है, इलाजे कराने के लिए लगा है भाई। आज हम नौजवानों को यहाँ बैठ के आंदोलन करना पड़ रहा है, क्यों करना पड़ रहा है? हम लोग नेता को मंत्री को काहे वोट देते हैं, ये सब काम करने के लिए वोट देते हैं? तो यहाँ का जो लोग है, नेता है, मंत्री है, जितना भी पार्टी का लोग है, वोट ले लेता है, वोट के बाद समाप्त हो जाता है, फिर वोटे के वोट याद करता है, गरीब को कोई नहीं पूछता है। तो आज अगर हम वोट दिए तो किसी नेता को अगर पूछना चाहिए था कि नहीं पूछना चाहिए था? अल्ट्रासाउंड बंद है लेकिन कोई नेता मंत्री विधायक कौन नहीं पूछ रहा है। आज हम नवयुवक सेना के टोटल नौजवान लोग यहाँ धरना पर बैठे हैं, प्रदर्शन पर बैठे हैं सभी लोग, कि इसका ताला खोलेंगे सिविल सर्जन महोदय आके या प्रबंधक महोदय, तबे ही वहां से नौजवान सेना हम लोग हटेंगे। आज अगर ताला नहीं खुलेगा तो यहाँ से हम लोग नहीं हटेंगे, तो नहीं हटेंगे, इतना पक्का कह दे रहे हैं। ताला आज खुलना चाहिए और नहीं तो इस व्यवस्था के खिलाफ हम लोग का धरना चलता रहेगा। नवयुवक सेना जिंदाबाद, सदर अस्पताल व्यवस्था हाय हाय, अस्पताल प्रबंधन हाय हाय, अस्पताल व्यवस्था हाय हाय, अब मनमानी नहीं चलेगी, अब मनमानी नहीं चलेगी, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। व्यवस्था इतना घटिया हो गया है, व्यवस्था बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग का इतना घटिया हो गया है कि पिछले कुछ महीनों पहले आप लोगों ने देखा होगा बिहार में हमारे गरीब भाइयों का, किसानों का, मजदूरों का 380 को बच्चा चमकी बुखार से मर गया, लेकिन स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य व्यवस्था को तैको इसका चिंता नहीं था। यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री जिसको बिहार में 40 को में 80 को लोकसभा का सीट दिया, यहाँ बिहार का जनता ने मुख्य बिहार के जो प्रदेश के सारे जनता ने विश्वास जताया प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पर, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का क्या कर्तव्य बनता था? खाली वोटरे घर, खाली वोटरे घर हमारी सन्नाता। वोट के बाद जब चमकी बुखार से बिहार में 380 का बच्चा मरा तो नरेंद्र मोदी को अफसोस जाहिर किए नहीं किए? टीवी पर आके कहे कि बिहार में इतना लड़का सब मरल तो हमारा अफसोस बा, हम पर कार्रवाई करो, हम दोषी के खिलाफ कार्रवाई हुई, बोले नरेंद्र मोदी जी? नहीं बोले। अरे ठीक भाई, वो ट्वीट कर देती
कि बिहार में बच्चे जो मर रहे हैं उसके लिए मैं अफसोस, मुझे अफसोस है, मुझे दुख है, तकलीफ है, ट्वीट कर देती विदेश ठीक है, घूमिए, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, घूमे ठीक है, लेकिन जो आपको इतना बड़का बहुमत दिया है वो जनता का तो चिंता करना चाहिए ना, जनता का चिंता करके नहीं करिएगा, खाली जनता से मतलब रखिएगा वोट से। अच्छा, ये जनता है जो आसमान पर बैठाता है, माथा पर बैठाता है, काम नहीं करिएगा तो ये जनता मुहियों में पटकने का काम करेगा आने वाला समय में मोदी चाचा के। और मोदी चाचा के अभी जनता का पावर बुझाई नहीं थे, इनका कुछ सीट ज्यादा मिल रहा था, बुझना नहीं कि जेबानी से हमारी तो ये नहीं ना चली। जनता के साथ अगर मजाक होगा, जनता के व्यवस्था के साथ अगर मजाक होगा, तो जब जनता चाचा मजाक करे लगी तो बड़ा मांग पड़ जाए, कुर्सी छोड़े के पड़ी। इसलिए जनता का विश्वास आपको मिला है तो जनता के विश्वास को कायम रखिए और स्वास्थ्य विभाग जो स्वास्थ्य का लचर व्यवस्था है उस पर कार्रवाई करते हुए इस पर एक्शन लीजिए, भर्त प्राधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करिए। ये अस्पताल का अल्ट्रासाउंड बंद है, काय बंद है, इसके पीछे कौन कौन पदाधिकारी है उसका जांच करवाइए, उसकी कार्रवाई करिए, उसको जेल भेजने का काम करिए, नहीं तो नवयुवक संघ प्रदर्शन जारी रहेगा और हम लोग विरोध करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।